हाय गाइस, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू आई शेडो लॉन्च के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है फ्रॉम दी ब्रांड कफ्स एंड लैशेस। जी हाँ, कफ्स एंड लैशेस का न्यू आई शेडो लॉन्च हुआ है और उन्होंने ये आई शेडो पैलेट लॉन्च किया है। ये जो आप आई मेकअप मेरा देख रहे हो, ये मैंने इसी आई शेडो पैलेट को यूज करके किया है। सो दिस इज एन्चेंटिंग आई शेडो पैलेट From Cuffs and Lashes, जो कि इनका न्यू लॉन्च है। इस पैलेट में आपको 39 डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर मिलेंगे। आप टोटली देख सकते हो, यहाँ आपको शिमर्स मिलेगा, यहाँ आपको मैट्स मिलेगा और यहाँ आपको मिल रहे हैं ग्लिटर शेड्स, जो कि है प्रेस्ड ग्लिटर्स है। इसको यूज करने के लिए अलग से आपको कोई ग्लू की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस पैलेट में आपको नियॉन शेड्स भी मिल जाते हैं, न्यूट्रल शेड्स भी मिल जाते हैं, शिमर्स जो है वो भी आपको डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं। साथ के साथ अगर आप ग्लिटर्स को देखो तो ऐसा कोई भी शेड नहीं है जो आप यूज नहीं करोगे। मैंने जो अभी अपने आईज पे यूज किया है वो ये स्काई ब्लू काइंड ऑफ ग्लिटर शेड है। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये आई मेकअप कैसे किया है। इसमें मैंने कुछ कलर्स भी पिक किए थे। सो, सबसे पहले मैं एक एकदम न्यूट्रल टोन ऑफ क्लोज टू माय आईलिड्स वाला कलर ले रही हूँ और उससे मैं न्यूट्रलाइज कर रही हूँ अपने आईलिड्स को। एज यू कैन सी कि मैंने कोई भी कंसीलर नहीं लगाया है। मेरा मुद्दा बस ये दिखाने का था कि देखो, ये इतने अच्छे पिगमेंटेड है कि ये ऐसे ही बहुत पॉप करते हैं। यू डोंट नीड टू अलग से प्राइम योर आईलिड्स। अभी मैंने एक येलो कलर लगाया है जस्ट टू न्यूट्रलाइज माई डार्क सर्कल्स, जो भी डार्क स्पॉट्स हैं, जो पिगमेंटेशन है उससे थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने येलो कलर को पिक किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड ऑल्सो। सो आफ्टर प्लेसिंग इट एंड ब्लेंडिंग इट, आई एम गोइंग टू टेक दैट कलर, जो कि एक परफेक्ट कूल टोन ब्राउन कलर है जिसे आप एज अ कंटूर भी यूज कर सकते हो। मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेसिंग की है और मैंने वी भी, आउटर वी में भी अप्लाई किया है और अपने क्रीज या फिर ट्रांजिशन पे भी अप्लाई किया है। इससे मेरा जो आई सॉकेट है, मुझे आगे जब मैं प्लेस करूंगी ग्लिटर तो मुझे पता चलेगा कि मुझे किसके ऊपर नहीं जाना है, तो इट विल एक्ट एज अ क्रीज बाउंड्री जिसे हम कहते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा सा इंटेंसिफाई किया है जस्ट टू मेक श्योर कि मतलब मुझे पता चल जाए कि इसके ऊपर मुझे नहीं जाना है। एंड यू कैन टोटली सी कितने पिगमेंटेड कलर्स हैं सारे के सारे और कितने ईजी टू ब्लेंड हो रहे हैं। फॉल आउट जो था वो मैंने बहुत सारा ले लिया था इसलिए हल्का सा हो गया था, बट सीरियसली ये सारे कलर्स बहुत ही अच्छे हैं, शिमर हो, मैट हो, कुछ भी हो। अच्छा, अभी मैंने ये जो शेड आपको दिखाई, ये मैंने फिंगर टिप्स की हेल्प से पहले तो पैट किया है। अच्छी कवरेज मिल गई थी मुझे, बट फॉर द प्रिसिजन, क्योंकि हम एक शेप में लगा रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट कि अच्छा ना दिखे। तो जैसे आप देख रहे हो अच्छा से अप्लाई हो गया, बट वो क्लैरिटी नहीं थी, वो फिनिशिंग नहीं था। तो उसके लिए मैंने वही ब्रश में, सेम ब्रश में ही मैंने धीरे धीरे पिक किया ग्लिटर शेड को एंड नाउ मैंने प्लेस किया है। अच्छा, ये जो प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं इसमें अलग से आपको कोई ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लगाते हो तो उसका लॉन्जिविटी और थोड़ा बढ़ जाएगा। बट मैं ऑनेस्टली कहूँगी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, फॉल आउट भी नहीं करता, ये चंकी भी नहीं है, आपके आईज पे ऐसे ख़राब भी नहीं दिखेंगे, बहुत ही अच्छे हैं ये। जैसे ही प्लेसिंग डन हो जाती है वापस से मैंने वही वाला कलर को पिक किया है ब्लेंडिंग ब्रश में और मैंने उसे ब्लेंड किया है। अभी मैंने ये मजेंटा काइंड ऑफ कलर लिया है फॉर द लोअर लैश लाइन और मैंने इसे प्लेसिंग किया है। हल्का फुल्का इधर उधर फॉल दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने ना कंसीलर लगाया ही नहीं था। एक्चुअली मैं एक चैलेंज कर रही हूँ, मेकअप चैलेंज, जो कि आई थिंक कल आ जाएगा मेरे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा, प्राइस है 1499, बट मैंने अभी रिसेंटली चेक किया था उनके वेबसाइट पर, ये मिल रहा था 849 रुपीस का। इस प्रोडक्ट का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस पैलेट में ड्रामेटिक शेड्स हैं जिसको आप यूज करके ड्रामेटिक लुक क्रिएट कर सकते हो और इस पैलेट में न्यूट्रल शेड्स भी हैं जिसको आप पिक करके एक न्यूट्रल मेकअप भी क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप ये इसे एज अ कॉन्टोर शेड भी यूज कर सकते हो। सारे कलर्स इजी टू ब्लेंड है, बहुत ही स्मूथ फॉर्मूला है। जो मैट है वो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, शिमर शेड्स है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टेक्सचर में है जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से बैठते हैं और फॉल आउट बिल्कुल नहीं करते हैं। जो ग्लिटर शेड्स है वो बहुत ही आसानी से ड्राई हो जाता है, बहुत इजी टू अप्लाई हो जाता है, आप उसे फिंगर या फिर ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। ये आई शेडो पैलेट लॉन्ग वियरिंग के लिए भी बेस्ट है। इस आई शेडो पैलेट में जितने भी शेड्स है सारे के सारे लॉन्ग लास्टिंग है, एक बार लगा लिया छुट्टी हो गई बिल्कुल बस। ब्रांड क्रुएल्टी फ्री है, मेड इन इंडिया ब्रांड है, 100% पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये। और अगर आप इसके शेड्स देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पर आपको येलो मिलता है, पिंक मिलता है, ब्लू मिलता है, पेस्टल ब्लू मिलता है, ग्रीन में भी आपको दो शेड्स मिलते हैं, यहाँ पे डार्क ग्रीन भी है, डिफरेंट टोन्स ऑफ कलर्स है। मैं अगर यहाँ पे शिमर्स की बात करूँ, आपको यहाँ पे 3-4 टोन के ब्लू मिल रहे हैं
ऑरेंज मिल रहा है, नियॉन ऑरेंज मिल रहा है, गोल्डन ग्लिटर, ब्लैक ग्लिटर, इवन आपको यहाँ पे पिंक के भी दो शेड्स मिलते हैं और यहाँ पर भी आपको दो मैट शेड्स मिल रहे हैं और यहाँ पर भी आपको दो मैट शेड्स, बाकी सारे यहाँ पे जो है शिमर शेड्स हैं जो कि बहुत ही सिल्की बटरी फॉर्मूला है। साथ के साथ जो मैट शेड्स हैं वो भी बहुत बहुत खूबसूरत शेड्स यहाँ पे प्लेसिंग किए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी कलर को प्लेस किया गया है बहुत ही सोच समझ कर प्लेस किया गया है, क्योंकि ये सारे के सारे कलर्स आप यूज़ करोगे, ऐसा कोई भी, अक्सर कई बार ऐसा होता है ना हम पैलेट लेते हैं और हम कुछ एक दो शेड उसमें ऐसे होते हैं जो हम यूज़ नहीं करते, बट फॉर श्योर मैं कह सकती हूँ इस पैलेट में ऐसा कोई शेड नहीं है जो आप यूज़ नहीं करोगे। इनफैक्ट ये एक ऐसा हाईलाइटर शेड है जो कि इतना पिगमेंटेड है और मैं वाकई कह सकती हूँ कि आप यूज़ भी करोगे। सारे के सारे कलर्स बहुत अच्छे हैं और जिस तरह से प्लेसिंग है मैट शेड को, इस तरह से सर्कल में किया है, स्क्वायर में है आपके ग्लिटर्स, यहाँ पर हैं आपके शिमर्स, तो काफ़ी इजी टू पिक हो जाता है, देखना नहीं पड़ता है कौन सा मैट है कौन सा ग्लिटर है। जो ग्लिटर्स भी है वो इतने चंकी नहीं है, बहुत ही अच्छे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं ये सारे के सारे, बिल्कुल भी चंकी नहीं है, एकदम इजीली आपकी आईज पे बैठते हैं, फॉल आउट नहीं करते हैं और एक बार लगा लिया ना तो बिल्कुल हटते नहीं है। सो या यही थी मेरी आज इस पैलेट की रिव्यू, मिनी रिव्यू है आई नो, क्योंकि आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आप मुझे इसे यूज़ करते हुए देखोगे, बिकॉज ये पैलेट मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक जरूर करिएगा। तो आप भी इस पैलेट को परचेस करिए और खूब सारे आई लुक्स सिंपल या फिर ड्रामेटिक क्रिएट करिए। मैं सनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।